हेलो फ्रेंड्स, सीमा स्मार्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बॉम्बे कराची हलवा इन माइक्रोवेव। आइए बनाते हैं। एक कप चीनी, हाफ कप कॉर्नफ्लोर, काजू, मेलन सीड और मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हैं, और लेमन जूस 1 टीस्पून और कलर आप अपना मनपसंद कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे येलो कलर यूज किया है। चीनी डालिए, उसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल दीजिए और चला लीजिए, और कलर भी इसी समय ऐड कर देना है। चीनी और कॉर्नफ्लोर दोनों मिला के 1.5 कप हो रहा है। इसमें कलर भी मिला दिया है मैंने और फिर चला लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 कप पानी डाला है पहले पूरा, चला लीजिए फिर से इसे, देखिए कलर बढ़िया आ गया बिल्कुल। और अब 1/4 कप पानी और डाल दिया है, क्योंकि माइक्रोवेव में बहुत ज्यादा पानी नहीं लगता है। और इसे अच्छे से मिला लीजिए, चीनी घुल जानी चाहिए थोड़ी सी। और अब इसे हम माइक्रोवेव में रख देंगे। मैंने यहाँ पे पहले इसे 3 मिनट के लिए रखा है। 3 मिनट हो जाने के बाद इसे निकालेंगे, फिर अच्छे से चला देंगे और फिर से रखेंगे। अभी हमने इसमें ऑलिव ऑयल और काजू मेलन सीड ऐड नहीं किया है। 3 मिनट हो गए हैं, इसे निकाल लीजिए और चला दीजिए। अच्छे से चला दीजिए, इसमें कोई भी गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। माइक्रोवेव में इसे बनाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं और ये बहुत अच्छा बनता है। लेमन जूस भी ऐड कर दिया है मैंने, एकदम थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। जब हम इसे डायरेक्ट गैस पे बनाते हैं तब थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ मैं। फिर से निकाला है और रखा था 3 मिनट के लिए, फिर से वही प्रोसेस बार बार करनी है, 3 से 4 बार, 3-3 मिनट की लगाई, लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं इसे कुक होने में। देखिए एकदम गाढ़ा हो गया है। इस समय इसमें मेलन सीड और काजू दोनों ऐड कर दीजिए। काजू के टुकड़े डाल दिए हैं मैंने इसमें, और ऑलिव ऑयल ये भी डाल दिया है। ऑलिव ऑयल डालने के बाद में फिर से एक बार हमें इसे माइक्रोवेव में रखना है 3 से 4 मिनट के लिए। लास्ट टाइम रख रहे हैं हम अभी, इस समय अच्छे से मिल गया है, ऑयल मिल जाना चाहिए इसमें। देखिए मिल गया है, फिर से मैंने इसे माइक्रोवेव में रखा था और निकाल लिया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इसी टाइप की होनी चाहिए, ये हाथ में थोड़ा सा ऐसे चिपकना चाहिए, या तो फिर आप इसे किसी प्लेन प्लेट पे डाल के देख लीजिए। बिल्कुल प्लेन प्लेट पे डालेंगे, जब चिपकेगा नहीं ये, तब समझ लीजिए हो गया है। और अब इसे किसी भी बर्तन में पलट लीजिए और सेट होने दीजिए 4 से 5 घंटे तक। मैंने पहले भी कराची हलवा डाला है, पर गैस पे बना के डाला था। मेरे कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पे मैंने इसे माइक्रोवेव ओवन में भी बनाया है और ये उतना ही टेस्टी बना है जितना पहले बना था। और अब आप चाहें तो इसके ऊपर फिर से मेलन सीड और काजू डाल सकते हैं। और बिल्कुल इसे सेट होने के लिए रहने दीजिए, ये आधे पौन घंटे में ठंडा नहीं होता है। इसे ठंडा होने में कम से कम 3 से 4 घंटे तो लग ही जाते हैं, थोड़ा बहुत मौसम पे भी डिपेंड करता है, और ठंडा होने के बाद में ये इजीली निकल जाता है। देखिए वाओ परफेक्ट, मैंने पहले पीसेस कर लिए थे और फिर इसे पलटा है, देखिए एकदम परफेक्ट बना है ये। लीजिए तैयार है कराची हलवा इन माइक्रोवेव। रेसिपी को ट्राई कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नए रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए